फास्ट अटैक ग्राफ्ट आपका जो तार मुगली है ये लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी में दिसंबर 2023 में और ये तरीके का फास्ट अटैक क्राफ्ट है देख लेते हैं इसके बारे में ये जो शिप है ये यूनिक डिस्टेंशन है आपका जो सर्व करता है अंडर द फ्लैग्स ऑफ टू कंट्रीज विद थ्री नेम्स ड्यूरिंग हर डिस्टिंगिश सर्विस सो फार इसके बाद ही अगर हम बात करें तो ये कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में एज आई एन एस दैट इज इंडियन नेवल शिप अतिलंगचांग जो कि एक तरीके का ट्रिंकेट क्लास शिप है ये जो शिप है ये एक्टिव सर्विस में था अंटिल 2006 क्लियर है सभी को चलिए ये जो शिप है ये कमीशन किया गया था मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स में 16th ऑफ अप्रैल 2006 में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इन व्हिच कंट्री हैज दी अतिरवल्लूर स्टैचू बीन अनवील्ड रिसेंटली सो हाल ही में किस देश में त्रिवल्लूर की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रांस होगा क्लियर है सभी को चलिए थोड़ा उसके बारे में देखेंगे देखें, त्रिवल्लूर है इसको यहाँ पे वलुआर भी कहा जाता है ये एक तरीके का तमिल पोएट सेंट है साथ ही साथ अगर हम बात करें जो आपकी जेवेडियन ग्रुप्स है ये ये इसको कंसिडर किया जाता है एज अ सेंट बिकॉज दे डेड नॉट बिलीव इन दी कास्ट सिस्टम वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे इसीलिए जो आपका ग्रुप्स है इनको यहाँ पर सेंट बुलाता है क्लियर है सभी को अगर हम बात करेंगे कुराल की इन संगम लिटरेचर इट वॉज कम्पोज बाय हिम ठीक है इनके द्वारा कंपोज किया गया था और अगर हम बात करें आपका अभी रिसेंटली द स्टैचू ऑफ त्रिवल्लूर हैज बीन अनवील्ड इन सर्गी सिटी ऑफ फ्रांस इनका स्टैचू यहाँ पे फ्रेंक फ्रांस के सर्गी सिटी में इंस्टॉल यहाँ पे किया यहाँ पे किया गया है साथ ही साथ जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने अनाउंस किया इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस स्टैचू टू दी फ्रांस टू अटेंड दैसिली डे सेलिब्रेशन तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया था आई I मीन mean, uh, इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे इंस्टॉल आई मीन इंस्टॉलेशन अनाउंस किया था इस स्टैचू का ठीक है

ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट की आ, बात की जाए उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है एंड अगर हम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है पेरिस फ्रांस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विस सिटी हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज मर्स ग्लोबल क्वालिटी ऑफ द लाइफ रैंकिंग्स हाल ही में जारी मर्सर की वैश्विक जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वियना ऑस्ट्रिया वियना चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे मर्सर इंटेलिजेंस अभी हाल ही में रिसेंटली इन्होंने रिलीज किया है ग्लोबल क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग ठीक है उसके बाद अगर हम बात करेंगे 241 सिटीज जो हैं टोटल पूरे दुनिया भर में ये इस रैंकिंग के लिस्ट में इंक्लूड की गई जिसमें ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है बेटा जो आपका वियना है ये टॉप पोजीशन पर रहा है इस रैंकिंग में ठीक है ज्यूर जो है स्विटरलैंड का ये सेकंड पोजीशन पे था और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड ये थर्ड यहाँ पर प्लेस पे था जो आपका जो द टॉप क्वालिटी सिटी जो थी वो क्या थी हैदराबाद और ग्लोबल रैंकिंग कितनी है वन थर्ड पुणे वन पे है चलिए आगे बढ़ते हैं विच इंस्टीट्यूट है आर्सेनिक फ्रॉम वाटर हाल ही में किस संस्थान ने पानी से आर्सेनिक को निकालने की तकनीक विकसित की है करेक्ट आंसर क्या होगा आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास दिसंबर 2023 में जो आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी ताकि हम वाटर वाटर से आर्सेनिक को रिमूव कर सकें इस टेक्निक का नाम दिया गया है अमृता साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी है ये नैनो स्केल आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्स uh, हाइड्रोक्साइड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करेंगे जो अभी सेलेक्टिवली रिमूव करेगा आर्सेनिक जो आपके वाटर से यहाँ पे पास होता है और जो वाटर प्योरिफाइर्स है इनको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है बोथ हाउस होल्ड और यहाँ पे कम्युनिटी लेवल्स के लिए इसके अलावा अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो इट ऑल्सो यू नो एक्सट्रैक्ट द अदर मेटल्स फ्रॉम दी वाटर चलिए अदर मेटल्स को भी वाटर से निकाल बाहर फेंकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली दी पार्लियामेंट हैज पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल 2023 अकॉर्डिंग टू दी दिस बिल इन विच स्टेट ट्राइबल यूनिवर्सिटी बी स्टैब्लिश हाल ही में संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित कर दिया है इस विधेयक के अनुसार किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा तेलंगाना चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं दिसंबर 2023 में जो आपका पार्लियामेंट है गाइस वो यहाँ पर इन्होंने पास किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट 2023 बिल ये ऑलरेडी पास किया गया है लोकसभा के द्वारा ये जो बिल है ये अमेंड किया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के तहत ये इस्टबलिश किया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर टीचिंग एंड रिसर्च डिफरेंट स्टेट्स में ये जो बिल है ये प्रोवाइड ये प्रोवाइड करता है सेटिंग अप अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ आपके तेलंगाना के अंदर और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटीज की तो आपका सर का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज है इसका नाम दिया जा रहा है साथ ही साथ अगर हम बात करें दिस विल पीव वे फॉर दी हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन और जो रिसर्च है उसके लिए एक अच्छा यहाँ पे रास्ता खुलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए <clears throat> अच्छा सो गाइज यहाँ पे हमारी बैचेस को लॉन्च कर दिया गया इफ़ यू लिटरली वॉन्ट टू एनरोल गो एन एनरोल दीज बैचेस यूज़ कूपन कोड वाई फोर फाइव फाइव टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट और ये जो बैचेज हैं ये हमारे uh, यहाँ पे ये यह जो हमारे है सी यू डी की बैचेज हैं टू विच यू कैन गो एंड ईजिल एनरोल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज दी कंट्रीज फर्स्ट सिक्स लेन स्टील स्लैग बेस्ड रोड बीन यू नो बीन कंस्ट्रक्टेड देश की पहली छह लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण यहाँ पर कहाँ किया जा रहा है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा सूरत चलिए थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में जो कंट्री का पहला सिक्स लेन स्टील स्लैग है बेस्ड रोड है ये यह यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है गुजरात के सूरत में दिसंबर 2023 में साथ ही साथ गाइस अगर हम बात करें ये जो रोड है यहाँ पे ये यह कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है फॉर दी रोड कनेक्टिंग एन टू हजीरा पोर्ट NS6 से लेके मतलब तो नेशनल हाईवे से लेके हजीरा पोर्ट तक यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा स्टील स्लैग है ये यह, पे आ, इसको प्रोड्यूस किया जाएगा एज अ सॉलिड सॉलिड वेस्ट जो कि आयरन ओर से यहां पे होता है ड्यूरिंग स्टील प्रोडक्शन क्लियर है चलो गुजरात की बात करें कैपिटल गांधीनगर है गवर्नर आचार्य देवव्रत है चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसका नाम क्या रखा गया है इसका नाम रखा गया है आपका क्रासोन और सम्राट एलेक्सेंडर थर्क ठीक है इसको लॉन्च किया गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रशिया से किया गया है क्या सभी को क्लियर है थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में देखिए ये जो सबमेरिन ये लॉन्च किया गया है रशियन नेवी के द्वारा दिसंबर 2023 में जो रशियन के प्रेसिडेंट हैं रशिया के प्रेसिडेंट हैं वाल पुतिन उन्होंने अनवील किया है इन न्यूक्लियर इन न्यूक्लियर पावर्ड को ठीक है पुतिन ने इनॉग्रेट किया था ये शिप्स कहा शिप यार्ड जो कि आपके सिवरोडिस में है जो कि इन इन कंट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन ठीक है एलेक्सेंडर अगर हम इसके थोड़ा सा डिटेल में बात करें नीडेड नहीं है ठीक है रशिया जो है अभी पांच और सबमरीन बना रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कौन सी कंट्री ने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया है टू न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम 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 क्या 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 रखा 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 है 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 इसका एक का नाम रखा है? और एक का का और सम्राट ठीक चलो आगे बढ़ते हैं सो so, रशिया की बात करेंगे कैपिटल इट इट प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन, करेंसी क्या है? रुबेल नेक्स्ट क्वेश्चन uh, देखते हैं सो so, हाल ही में भारत और अमेरिकी सेनाओं के मध्य व्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास कहां संपन्न हुआ है सो so, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उम्र में चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको देखिए व्रज प्रहार की बात की जाए तो एक तरीके की जॉइंट एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया जा रहा है इंडियन और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के फोर्सेस के बीच में ये हर साल 2023 में कंडक्ट किया जाएगा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उम्रॉय मिलिट्री कैंटोनमेंट मेघालय में साथ ही साथ ये बात करें इट इज़ दी फोर्टी एडिशन चौदह एडिशन है वज्र प्रहार जॉय मिलिट्री एक्सरसाइजेस का ऑब्जेक्टिव क्या है ताकि हम बेस्ट एक्सपीरियंसेस ले सकें बेस्ट प्रैक्टिस ले सकें और आपके ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें पहली बार दो में हुआ था नेक्स्ट डैश फ्री बसेस फ्री बस ट्रेवल स्कीम फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर लॉन्च बाय दी स्टेट गवर्नमेंट डैश राज्य सरकार के द्वारा महिलाएं ट्रांसजेंडर के लिए मुक्त बस यात्रा जो है ये शुरू की जा रही है योजना शुरू की जा रही है कहाँ पर तेलंगाना में यहाँ पर शुरू की जा रही है चलो थोड़ा डिटेल में देखेंगे तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया इन्होंने लॉन्च किया है सिक्स गारंटीज महालक्ष्मी स्कीम ठीक है उसके बाद अंडर दिस स्कीम इस स्कीम के तहत विमेन और जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं सारे एजेस की ये ट्रेवल फ्री बसेस का यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर पाएंगी और आगे बढ़ते हैं ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है आपके डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में चलिए सो गाइज वी हैव मिनट शो अब टेन मिनट शो आपका मंडे को होगा ठीक है सो गाइज यहाँ पर सफलता टू पॉइंट जीरो बैच को लॉन्च कर दिया गया है इफ यू लिटरली वॉन्ट टू एनरोल दिस बैच